इससे एक तो इनको पेन भी कम होगी और दूसरा जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने पास पास से लेके जाते हुए फेस के ऊपर सक्शन करनी है। फिर ये जो पार्ट है हमारा वी जोन एरिया अंडर आइज लेफ्ट करते हुए हम चिन को बाहर वाली साइड पे लेकर जाएंगे, इनवर्ड अंदर वाली साइड पे नहीं लेकर आएंगे, आउटवर्ड लेकर जाना हमने। अपर लिप्स पे हमारी स्किन की भी इससे हो जाता है छोटे छोटे बारी बारी दाने होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किन फेस फीचर्स आपने टूल्स को चलाना है, चाहे वो हाइड्रा का आपका सब्रीजन है, चाहे वो आपका अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो स्क्रबर है, जिस तरह के आपके फेस फीचर्स हैं आपने उसी लिफ्ट नहीं करना, डाउन नहीं करना, सॉरी लिफ्ट करते हुए आपने टूल्स को लेकर बाहर वाली साइड पर आना। क्लेंजिंग मिल्क फॉर्म में है, ठीक है, क्वांटिटी सिर्फ आपने चेक करनी है कि मैंने इसकी भी कितनी ले ली है। इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट 3-4 राउंड अबाउट मैंने रखी है। yes. और कंटिन्यूसली चलेगा ये, ठीक है, और लिफ्ट करते हुए मैं इसको यूज करूँगी। 47 पे रखी है। लगा के मैंने क्लाइंट के फेस पे छोड़ दिया और इसको लिफ्ट करते हुए मैं उठाऊंगी। प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी चेक की थी आपने? यस। और कलर भी चेक किया था क्या है? ये खुद फील कर रहा है और हल्की सी वाइब्रेशन के साथ आके एंड आफ्टर आपको उसकी स्किन ज़्यादा ग्लो शाइन नज़र आएगी आफ्टर ट्रीटमेंट। इसमें 1+1 क्योंकि थोड़ा सा ये थिक फॉर्म में होता है, जब थिक फॉर्म में होगा फिर उसकी पेनिट्रेशन आपके स्प्रे के साथ अच्छी नहीं हो सकती, तो आप लिक्विड अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉप में ऐड करूँगी वाटर के साथ और ये पूरा डाइल्यूट करके फुल फेस पे स्प्रेड कर देंगे आप ऑक्सीजन स्प्रे के साथ 50 ml एटलीस्ट इसमें सीरम और बहुत अच्छे से एकदम से तेज़ी के साथ आपने पूरे चेहरे पे पहले फैला देना। अच्छा कुछ लोग ना फोन करके कहते हैं निदा इसमें से पानी नहीं आ रहा, सीरम नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है कि जब हम सीरम को उल्टा कर देते हैं तो ये कभी भी नहीं आएगा। उल्टा करेंगे तो एयर आएगी, सिर्फ हवा आएगी अब, ठीक है। और अगर सीरम चाहिए तो हम उसको टर्न कर देंगे। सीरम की ब्लॉकेज भी हो जाती है? जी हो जाती है। तो उसके लिए क्या है? इसकी ब्लॉकेज जब हो जाए ना, ये जैसे बबल्स बन गए हैं ना, ब्लॉक कर देगा ये आपके। ऑन करने के बाद इसको यहाँ से अपने बबल्स बना के ये आपकी ब्लॉकेज खत्म करते हैं। आगे से बंद करोगे एयर बैक करेगा, यहाँ से पानी आए और हवा दोनों निकल आएंगे आप और आपकी ब्लॉकेज को क्लियर कर। सीरम को पेनिट्रेट करना है,
आइस के ऊपर आपने स्प्रेड करनी है। क्वांटिटी भी चेक करनी है, कितनी आइस के ऊपर कितनी प्रोडक्ट अप्लाई की है और फुल फेस पे मैंने कितनी प्रोडक्ट अप्लाई की है। सीरम मैंने उतारना नहीं है, उसी के ऊपर हम क्या करते हैं स्पंज के साथ 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 उतारी भी साफ भी किए जाते हैं, प्रोडक्ट अप्लाई भी करते रहते हैं। इसके रिजल्ट्स की निस्बत इसके रिजल्ट्स में आपको ज़्यादा मज़े का रिजल्ट आईडाक पे, हमने आईडाक से अगर स्क्रीन लगाई है और रिलैक्सिंग मसाज थोड़ी सी जो मरीज में है और ठीक है यंग स्किन है माशाल्लाह से, सिर्फ और सिर्फ डार्क स्पॉट है उसको देखते हुए आरएफ की टाइमिंग की रखूँगी ठीक है ये ज़्यादा तो नहीं, मैंने इंटेंसिटी इसकी 7 रखी है। पहले मैं पूरे फेस पे करूँगी और फिर 2 से 3 मिनट के लिए आईज पे करूँगी। प्रोडक्ट चेक किया आपने, मैंने कितनी क्वांटिटी ली है। मेंटली अगर रिलैक्स नहीं ना करते तो वो कंप्लेन ही करता रहेगा आपको। यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली स्किन मसाजर है, आपके पोर्स के अंदर हीटिंग टूल है और अगर आपकी स्किन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके साथ आप सीरम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमने जो सीरम फेस पे अप्लाई किया हम इसी के साथ काम करेंगे क्योंकि मैंने नीटिंग प्रोसेस करना है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स इफेक्ट करूँगी तो वो बीबी ग्लो का ट्रीटमेंट्स जो है उसमें और इसमें डिफरेंस आएगा। ओनली जो सीरम है मैंने इसको बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज एटलीस्ट मैं 3 टाइम यूज करूँगी। अल्ट्रासाउंड प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट हो गया 400 के साथ आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे साथ यूज कर रही है।